बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी तंदूरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अब फर्स्ट स्टेप इसका है मैरिनेशन। तो मैरिनेशन रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा दही। दही है तकरीबन एक कप जितना रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, हमने लिया है पैकेट का दही। अगर आप रेगुलर दही इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन पैकेट का दही थोड़ा सा कम खट्टा होता है, इसलिए मैंने पैकेट का दही डाला। अब इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली पेस्ट 4 to 5 टेबल स्पून भरकर। ये तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्च थी, 10 से 12 लहसुन के जवे थे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था। इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया हमने, वो इस्तेमाल किया है। नमक इसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून जितना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जितने रेड चिल्ली पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये तकरीबन 1 टीस्पून जितना था फुल, हमने वो भी इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर, ये हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून जितना। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे जीरा, ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा था 1 टीस्पून जितना, ये भी हमने इसमें शामिल किया है। अब लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, तो ये हमने डाला है इसमें 1 टीस्पून जितना। अब हमने तमाम मसालों को आपस में मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। जब सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हमने इसमें ऐड करना है चिकन। ये था हमारे पास तकरीबन 1 kg जितना, 1 kg चिकन था, हमने वो भी मसाले में ऐड किया है और अच्छी तरह से इसको आपस में मिक्स कर लेना है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। हमने तकरीबन चिकन को सिर्फ 1 घंटे मैरिनेट करके रखा है, जबकि आप 4 से 6 घंटे भी अगर आपके पास टाइम है तो इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं और ओवर नाइट भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसको 1 आवर ही मैरिनेट करके रखा है। उसके बावजूद भी चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा जी, हमारी चिकन जो है वो 1 घंटा मैरिनेट हो चुकी है। अब हमने ली है एक कढ़ाई, उसके अंदर हमने शामिल किया है 1 कप जितना ऑयल। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमने उसमें शामिल करनी है चिकन जो मैरिनेट करके ऑलरेडी हमने रखी हुई थी, वो सारी मसाले के साथ ही हमने डालनी है क्योंकि हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। इसलिए हमने तेज़ चूल्हे पर 6 से 8 मिनट के लिए हमने चिकन को कुक कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से, कि थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन हमारी गल भी जाए। अब हमने पहले इसको सारा मसाला डालने के बाद हमने इसको पहले कवर करना है और कवर करके हमने 6 से 8 मिनट के लिए फ्लेम को फुल कर देना है। जी, तो 8 मिनट हो चुके हैं, हमारी चिकन हाफ डन हो चुकी है। अब इस पोजीशन में हमने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। तो 3 अदर टमाटर थे जिन्हें मैंने काट लिया है, वो अब इसमें हमने शामिल किए हैं। फ्लेम को हमने स्लो नहीं रखना, उसको थोड़ा सा तेज़ ही रखना है क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ा है। अब टमाटर गलेंगे, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। हमने इसमें 1 ड्रॉप भी पानी शामिल नहीं किया। ये देखिए, यहाँ पर जब हमने इसका लिड रिमूव किया है तो काफ़ी सारा पानी है चिकन में। फ्लेम हमने फुल रखी हुई है, अब हमने इसको बहुत ज़्यादा भूनना है फुल फ्लेम पर, इतना कि टमाटर भी गल जाए और हमारी चिकन भी भुन जाए बहुत अच्छी तरह, जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए मसाले से। हमने इसको इतनी देर तक भूनना है, ध्यान से चमचा चलाते हुए इसको भूनना है। ये देखें, अब लास्ट में इसकी कुछ ये पोजिशन है कि टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, मसाला बिल्कुल रेडी है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, हमारी तंदूरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। बिल्कुल लास्ट में अब हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, तो उसको मोटा मोटा हाथ से ही क्रश कर लिया था और ऊपर हमने अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का अपना ही टेस्ट होता है, उसकी अपनी ही खुशबू होती है। बस हमने लास्ट में कसूरी मेथी शामिल की है और अब हमने इसको हरी मिर्च और रिंग अनियन के साथ गार्निश किया है। आप चाहें तो अदरक जुलियन कटिंग में करके उसको उससे भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हमने जस्ट रिंग अनियन और हमने हरी मिर्च से ही इसको गार्निश किया है। और बस बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी तंदूरी चिकन कढ़ाई हमारी रेडी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।